गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10th क्लास इंग्लिश का ये पोर्शन है और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास का टॉपिक है 100 में से 100 कैसे लाएं। ये मैं कोई फेंक नहीं रहा हूँ, बल्कि अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि 100 में से 100 कैसे लाया जाता है। क्लियर है? तो जैसा कि हाई स्कूल की इंग्लिश है, 100 में से पहला नंबर तो 30 नंबर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्लास परफॉर्मेंस के ऊपर। क्लियर है? आपके रिकॉर्ड के ऊपर, स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपने स्कूल में कैसे बना रखा है, क्योंकि 100 में से जो 30 नंबर होता है वो होता है फॉर इंटरनल असेसमेंट। वो किसके लिए होता है? वो स्कूल से ही मिलता है, यानी कि प्रैक्टिकल का एक तरह से आप समझ लो इंटरनल असेसमेंट होता है। इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको 30 मार्क्स यानी कि 30 नंबर मिल जाता है। क्लियर है? अगर आपका क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है ना, रिकॉर्ड अच्छा है, तो आपको 30 में से 30 मिल जाएगा। थोड़ा सा गंदा है तो 30 में से 25 मिलेगा, 20 भी मिल सकता है ना, 28 मिलेगा, 27 मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपका रिकॉर्ड कैसा है। क्लियर है? यानी कि 30 नंबर ये स्कूल के ऊपर निर्भर करता है। अब आया 100 में से आपका 30 निकल गया, अब आया 70, यानी कि 70 मार्क्स का 70 अंक का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं? 70 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए जो टाइमिंग रहता है वो 3 आर रहता है, यानी कि 3 घंटे का समय रहता है। 3 आर्स रहता है, 3 घंटे का समय रहता है। 3 आर्स 15 मिनट, वो मान के चलिए 3 घंटे का समय रहता है। अब देखिए 100 में से 30 नंबर तो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू स्कूल से डिपेंड करता है आपको कितना मिलता है। क्लियर है ना? अब यहां पर 70 मार्क्स ये आपके ऊपर है, 70 मार्क्स ये आपके ऊपर है। अब इस 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है इंग्लिश का, एक्चुअली इंग्लिश को डिवाइड किया गया 4 सेक्शन में, ध्यान से समझना, और इसी अनुसार अब अपने आप तैयारी में अपडेट करना शुरू कर दो। 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड रहता है, यानी कि इंग्लिश का पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड रहता है? 4 सेक्शन में बंटा रहता है, इंग्लिश का पेपर बंटा रहता है, 4 सेक्शन में बंटता है इंग्लिश का पेपर। क्लियर है? जहां पर जो सेक्शन ए होता है, ये भाई फ्री का नंबर देकर जाता है, सेक्शन ए जो होता है ये होता है रीडिंग सेक्शन। ये सेक्शन ए जो होता है ये कैसा, कौन सा पोर्शन है? रीडिंग सेक्शन वाला भाग है, रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग। अब रीडिंग में क्या होता है सुनो ध्यान से, रीडिंग सेक्शन से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। रीडिंग सेक्शन से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, और ये समझ लो फ्री वाला क्वेश्चन, फ्री में देकर जाता है नंबर। नमस्ते बच्चा। क्लियर है? इसका रीजन क्या, देखो ये जो रीडिंग सेक्शन आता है इसमें पूछा जाता है, एक दिया रहता है अनसीन पैसेज दिया रहता है ना, इसमें क्या दिया रहता है? इसमें दिया रहता है अनसीन पैसेज। अब ये सबको पता होगा अनसीन पैसेज क्या है, अनसीन पैसेज दिया रहता है, और अनसीन पैसेज पर बेस्ड, ध्यान देना, अनसीन पैसेज पर बेस 3 MCQ रहता है ना, 3 MCQ रहता है, यानी कि 3 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाला आता है, और इस 3 क्वेश्चन का आंसर आपको अनसीन पैसेज से ही मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है। एक तो ये पोर्शन हुआ, 10 नंबर देखो कैसे आएगा। जैसे आपने देखा 4 सेक्शन में बटा है, पहला सेक्शन है रीडिंग, रीडिंग सेक्शन से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 10 नंबर का क्वेश्चन। जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें से अनसीन पैसेज में से 3 क्वेश्चन जो आता है एमसीक्यू आता है, एक एक नंबर का, यानी कि 3 नंबर यहां से हो गया। बोलो पहला पोर्शन क्लियर है इतना? अब दूसरा क्या होता है देखिए, दूसरा जो जो होता है 3 आता है क्वेश्चन आंसर, जैसे 3 MCQ आता है तो 3 नंबर आपका यहां से मिल जाएगा, और 3 आता है क्वेश्चन आंसर, 3 आता है क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस किस पर बेस्ड रहेंगे? इन्हीं अनसीन पैसेज पर ही बेस्ड रहेंगे, 3 क्वेश्चंस आता है। क्लियर है? अब इन 3 क्वेश्चंस जो आता है, एक क्वेश्चंस के पीछे एक क्वेश्चंस 2 नंबर का रहता है, मतलब इन 3 क्वेश्चन से आपका हो जाता है
तीन दूनी छह, यानी कि छह नंबर हो जाता है। तीन क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? दो नंबर का होता है। तो यहां कैसे होगा, तीन दूना छह, यानी कि छह नंबर का, तीन क्वेश्चन और दो मार्क्स, कुल मिलाकर कितने मार्क्स हो जाएंगे? छह मार्क्स हो जाएंगे। अब आपको ये चीज दिमाग में रखना होगा, क्लियर है? और इनका आंसर खोजना आप अनसीन पैसेज की हेल्प से आप आंसर लिख सकते हो आराम से। बस याद रहे एक क्वेश्चन दो नंबर का आता है, तो थोड़ा सा आपको ढंग का लिखना है कि दो नंबर देने में एग्जामिनर को संकोच ना हो। समझ पाए इतना? एक ही होता है। अब जो तीसरा होता है, जहां पर भाई फाइट रहता है, यानी कि आपका एक क्वेश्चन आता है वोकैबुलरी बेस्ड, एक क्वेश्चन जो होता है मीनिंग बेस आता है ना, वोकैबुलरी बेस होता है। ये भैया आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक नंबर गया भी। वोकैबुलरी बेस्ड यानी कि मीनिंग बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, जहां पर एंटोनिम, सिनोनिम, इटैलिक वर्ड का मतलब बता दो, या जो पूछ सकते हैं वहां पर अंडरलाइन वर्ड का मतलब बता दो। मैं इन सबको दिखाऊंगा, मैं खुद अनसीन पैसेज आपको दिखाऊंगा, पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं खुद अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हाँ ये कैसे होता है। क्लियर है? इस तरह से आपका रीडिंग सेक्शन से दस नंबर का क्वेश्चन आता है। अरे हम कह रहे हैं रीडिंग सेक्शन से तीन नंबर यहां तो डन ही कर सकते हो, तीन ये डन कर सकते हो, मतलब यहां छह, चलो छह में से कितना भी गिरी हालत में चार नंबर तो मिल ही जाएगा, चार तीन सात, इसे छोड़ दो वो कैबुलरी बेस्ट, दस में से हर हाल में सात नंबर तो आपको लाना ही होगा, कितनी भी आपकी कंडीशन खराब आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। बस अंतर यही करना है, जैसे लगातार कंटिन्यू छह सात अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर लेनी ईमानदारी से, ताकि आपको एक आइडिया लग सके, हाँ एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सके कि हाँ अब तो मैं कर ही ले जाऊंगा। दस में से सात आठ नौ, और आवश्यकता आने पर दस भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं। क्लियर है? तो ये पहला सेक्शन, यानी कि आपका अब 70 में से 10 निकल गया, बचा 60। समझ में आया मैंने क्या कहा? इंग्लिश का पेपर आपका जो बोर्ड में आता है चार सेक्शन में डिवाइड है। पहला सेक्शन क्या होता है? रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में क्या आता है? अनसीन पैसेज। उस पर कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन। उसमें क्या होता है? तीन क्वेश्चन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस वाला रहता है, तीन क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर वाला रहता है, और एक क्वेश्चन के पीछे दो नंबर, यानी कि छह नंबर का ही हो जाता है, और एक क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड रहता है। ज्यादा अगर बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो यही वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ट्वेल्थ में वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन तीन नंबर का आता है ना? वन सीन पैसेज जो है आपका 15 नंबर का आता है, यहां पर 10 नंबर का। बताओ अभी समझ में आया सेक्शन ए? अब देखिए सेक्शन टू जो होता है, यानी कि सेक्शन बी, सेक्शन बी है राइटिंग सेक्शन। सेक्शन बी क्या है? राइटिंग सेक्शन। और भैया राइटिंग सेक्शन से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये भी फ्री का नंबर देकर जाता है, फ्री का भी, ये समझ लो आप, है ना? फ्री का नंबर इसलिए देकर जाता है क्योंकि इसमें फिक्स रहता है, इसमें फिक्स रहता है। देखो राइटिंग सेक्शन में ये दो भाग में होता है, या तो लेटर आपसे पूछा जाएगा लिखने के लिए, या तो एप्लीकेशन पूछा जाएगा, दो में से कोई एक बोला जाएगा, या तो लेटर या तो एप्लीकेशन, और इसके लिए चार नंबर का मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें चार नंबर का, या तो लेटर लिखने के लिए आएगा या तो एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा, इतना समझ पा रहे ना? अब यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से राइटिंग सेक्शन में आपका जो है या तो लेटर आएगा या तो एप्लीकेशन आएगा चार नंबर का, तो इस तरह से और करके दिया रहेगा। जैसे आप क्वेश्चन पूछा गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू फुल फी कंसेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट। एक तो ये पूछा गया एप्लीकेशन लिखने के लिए, और दूसरा और करके लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ योर कॉलेज और सिटी हैज चेंज्ड ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू इयर्स। मतलब यहां से ये कंफर्म हो गया भैया, अभी ये मॉडल पेपर में पूरा सॉल्व भी करवाऊंगा, पहले ये तो समझो कैसे पढ़ाई करना है, अब स्ट्रेटेजी आपको चेंज करनी है। क्लियर है? यानी कि चार नंबर का लेटर या एप्लीकेशन फिक्स है, लेटर या एप्लीकेशन फिक्स है, तो अगर आप एक लेटर का फॉर्मेट बढ़िया समझकर चार पांच लेटर की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में आइडिया सेट हो जाएगा। इसी तरह एप्लीकेशन है ना, तो क्योंकि लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक लिखना है जिसमें आपको लगे कि जो बढ़िया अच्छे से तैयार है वही आप एक लिख देना। क्लियर है? अब बचा यहां पर छह नंबर।
बचा कितने नंबर का पोर्शन? 6 नंबर। तो 6 नंबर में आता है आपका, देखिए 6 नंबर में क्या क्या आ सकता है। एक तो आ सकता है पैराग्राफ राइटिंग आ सकता है, क्लियर है। 6 नंबर में क्या क्या आ सकता है? एक तो आ सकता है पैराग्राफ राइटिंग आ सकता है, यानी कि किसी चीज के बारे में लिखना रहेगा, पैराग्राफ राइटिंग। या आ सकता है रिपोर्ट राइटिंग, या क्या आ सकता है? रिपोर्ट, सॉरी ये नहीं रहेगा, रिपोर्ट राइटिंग। या जो है आ सकता है आपका आर्टिकल राइटिंग। तीनों में से कोई एक लिखना होगा, आर्टिकल राइटिंग। अच्छा, घुमा फिरा कर इन सब का मतलब होता है वही एसे वाला ही पोर्शन होता है, लेकिन बस थोड़ा सा, अब वही समझ ही रहे हो है ना, सब में थोड़ा बारीकी तो अंतर तो रहेगा ही ना भाई। पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, एसे राइटिंग, कंपोजिशन राइटिंग है ना, या एसे राइटिंग आ सकता है, एसे राइटिंग, या आ सकता है कंपोजिशन राइटिंग। क्लियर है? मतलब इनमें से तुम्हारा 6 नंबर का आता है, और वो भी 80 से लेकर 100 वर्ड्स में आपको लिखना रहता है, 80 से 100 वर्ड्स में। क्लियर? यानी कि 6 नंबर का आपका आता है लिखने के लिए। अब 6 नंबर में कुछ भी आए, रिपोर्ट राइटिंग आए, पैराग्राफ राइटिंग आए, आर्टिकल राइटिंग आए, एसे राइटिंग आए, कंपोजिशन राइटिंग आए, सपोज करो आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो समझ लो उसके बारे में लिखना है। मतलब ये अगर आप कुछ भी लिखे हो ना, तो 6 में से भाई 4 नंबर 3 नंबर 5 नंबर जैसे आप लिखे हो उस अनुसार तो नंबर मिल ही जाएगा। क्लियर है ना? जैसे यहां पर देखिए पूछा गया है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द रिसेप्शन ऑफ अ ब्राइड अटेंडेड बाई यू इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ये कह रहे हैं एक पैराग्राफ लिखो, वो भी एक ब्राइड के रिसेप्शन पर। मतलब एक ब्राइड जब आती है तो वहां पर एक प्रीत भोज वाला प्रोग्राम होता है ना, वहां पर आपको अटेंड करना है, तो आपको एक पैराग्राफ लिखना ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। इस पॉइंट के हेल्प से, इस पॉइंट के बेस पर। अब यहां पर ये काफी ज्यादा राहत दे दिया स्टूडेंट के, करें इस, यानी कि इन्होंने हेडिंग दे दिया, इन्होंने क्या दे दिया? हेडिंग दे दिया। आपको क्वेश्चन का मतलब समझना है और हेडिंग के बेस्ड पर लिखना है 6 नंबर का क्वेश्चन। अब आप सपोज करो अगर आप कितने में, हम एकदम करें गिरी हालत में, एक हेडिंग में, एक हेडिंग को लेकर आधा पेज लिखते हो, तो 6 हेडिंग है, 3 पेज हो जाएगा, 3 पेज, 3.5 पेज, 4 पेज अगर आपने ढंग का लिखा है तो 6 में से भैया लिखने के अनुसार आपको 6 भी नंबर मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है। गिरी हालत में 3 नंबर तो मिलेगा ही अगर आपने लिखा है तो। और करके आर्टिकल पूछा जा सकता है। देखिए, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स एंड कोर्टियस बिहेवियर इन लाइफ। लाइफ में एक अच्छा व्यवहार और एक मिलनसार व्यवहार, एक अच्छी आदत, इन सब का, इन सब के महत्व पर आपको लिखना है कि लाइफ में किस तरह से हमारी अच्छी आदतें क्या प्रभाव डालती ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। और यहां भी ये कह रहे हैं 2 पॉइंट की हेल्प से, यानी कि आप फ्यू एग्जांपल ऑफ गुड मैनर्स, गुड मैनर्स का कुछ एग्जांपल देते हुए अब आप हेडिंग वाइज दे दोगे और ज्यादा लिखने में आसानी हो जाएगी। और दूसरा, हाउ डज कोर्टेसी अफेक्ट आवर डे टू डे लाइफ, यानी कि हमारी दिन प्रतिदिन के रोजमर्रा के जीवन पर जो हमारी आदतें होती हैं, हमारी हैबिट होती है ना, वो किस तरह से हमारे डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। क्लियर? 2 चीज को इस तरह से और करके 6 नंबर में पूछा जाता है आपका। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये सेक्शन भी। क्लियर है? तो सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक बार फिर से देखिए, मैंने बताया इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड है। पहला जो होता है सेक्शन ए, यानी कि रीडिंग सेक्शन होता है, जहां से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, अनसीन पैसेज बेस्ड आता है। क्लियर है ना? अब यहां पर आप देख सकते हैं, हाँ, 3 क्वेश्चन एमसीक्यू वाला आता है, 3 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आंसर बेस्ड आता है। क्लियर है? 1 क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है और 1 क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड रहता है। ऐसा भी हो सकता है जितना जितना एमसीक्यू वाला है, सारे एमसीक्यू को ये पहले भी रख सकते हैं। ध्यान देना, सारे एमसीक्यू को ये पहले भी रख सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूं आपको। जैसे देखिए यहां पर, यहां ये पेपर है, ये आपका मॉडल पेपर ये है, और आप देख सकते हैं 2024 का है।
है ना, इसका जो एच जे है ठीक है 817, ये पूरा मॉडल पेपर, ये रोल नंबर वगैरह सब लिखा गया पूरा, है ना, 4 मार्च का पेपर ही है, 4 मार्च 2024 का। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, ये रीडिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन में इस तरह से एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा, आप देख सकते हैं अनसीन पैसेज दिया गया है यहां पर, द मॉडर्न वर्ल्ड, यहां पहले क्वेश्चन आप पढ़ लेना, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, द मॉडर्न वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ ग्रॉस मेटेरियलिज्म, मनी इज द पिवट ऑन विच द प्रेजेंट वर्ल्ड सीम्स टू टर्न, द वेस्टर्न वर्ल्ड मोर देन द ईस्टर्न वर्ल्ड इज कंप्लीटली इन द क्लचेज ऑफ दीज मनी मेकिंग टेंडेंसीज, द मनी दस मेड इज पुट टू अ वैरायटी ऑफ यूजेज, गुड बैड एंड इनडिफरेंट, इवन अ कैजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द वर्ल्ड रिवील्स द फैक्ट डेट द अब्यूज ऑफ मनी इज द रूल एंड द राइट यूज ऑफ मनी द एक्सेप्शन, ह्यूमन नेचर इज फंडामेंटली सेल्फिश एज सच, इट इज नो वंडर डेट मनी अर्न्ड इज इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस रॉन्गली यूज, द राइट यूज ऑफ मनी कंसिस्ट इन स्पेंडिंग इट फॉर यूनिवर्सल गुड, फॉर द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, इन एडिशन टू मीटिंग वंस पर्सनल एंड फैमिली रिक्वायरमेंट्स। इस तरह से एक पैसेज दिया रहेगा, आपको पहले पढ़ना होगा, आपने अभी मैंने एक बार पढ़ा, सब ऊपर से गया, ऐसे सेम एग्जाम में भी ये कंडीशन होती है, क्लियर है। अब यहां क्वेश्चन आंसर कह रहा है, व्हाट प्लेस डज मनी ऑक्यूपाई इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड में पैसा है ना कितना महत्व रखता है अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार बताइए। तो यहां पर मनी इज द पिवट ऑन व्हिच द प्रेजेंट वर्ल्ड सीम्स टू टर्न, याद रखना आपको एक लाइन में आंसर नहीं लिखना है, कोशिश करो, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो कम से कम भाई 4-5 लाइन और थोड़ा इफेक्टिव कुछ यहां का लिखो, कुछ आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाउ इज मनी जनरली यूज्ड बाय पीपल एवरीवेयर, है ना, लोगों के द्वारा मनी को किस तरह से हर जगह पर यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको लिखना है, ठीक है, अब यहीं से आपको क्वेश्चन आंसर जो भी आंसर खोजना है इसी पैराग्राफ से खोजना है। हाँ, पैराग्राफ की लाइन लिखने के बाद आप उसी लाइन को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लियर है। फिर तीसरा है, मैं सॉल्व करूंगा, पूरा लिख लिख कर बताऊंगा, लेकिन अभी मेरा टारगेट है दिखाना कि 100 में से 100 नंबर कहां से आता है, कैसे आता है और कैसे आप ला सकते हो अगर आप चाहो तो। नेक्स्ट, व्हाट इज द राइट यूज ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार पैसे का सही यूज क्या है। तो यहां देखिए, राइट यूज ऑफ मनी कंसिस्ट इन स्पेंडिंग फॉर यूनिवर्सल गुड, कुछ आंसर ऐसे देखते मिल जाएंगे और कुछ के लिए आपको ज्यादा एफर्ट करना होगा, समझ पा रहे ना। 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भाई वो कैबलरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नीड्स, पैसेज में किस वर्ड का मतलब नीड होता है, अब यहां पर आपको पैसेज में खोजना होगा, और किस शब्द का मतलब एक तरह से नीड का, नीड्स का ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, सिनोनिम्स पूछ रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स का मतलब आवश्यकता, नीड्स का भी मतलब आवश्यकता, ऐसे है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुरंत मिल जाएगा, मैंने बोला वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, चाहोगे तो तुरंत मिल जाएगा, नहीं चाहोगे तो परेशान हो जाओगे, क्लियर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नीड मतलब आवश्यकता लिखकर चले जाते हैं, अरे ये कह रहा है पैसेज में किस शब्द का मतलब नीड होता है, क्लियर है। तो इस तरह से रीडिंग सेक्शन, आई होप क्लियर। अब यहां 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 साथ ही, यानी कि जितने मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है सबको इन्होंने पहले कर दिया, देखिए। और एक चीज याद रखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हर एग्जाम की कहानी हो गई अब। और देखो यहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी फिर अनसीन पैसेज इन्होंने दिया, यानी उस पैराग्राफ का अनसीन पैसेज, उस जो अभी मैंने पढ़ा है पैराग्राफ उसका एमसीक्यू नहीं है। अब ये दूसरा दिए, इन द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड द लॉज वर वेरी क्रूएल, अ मैन कुड बी हैंग्ड फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफेंस, द शेरिफ्स हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉ वर इग्नोरेंट मैन एंड वुड हैंग अ मैन ऑन लिटिल और नो एविडेंस, ऑफन व्हेन अ मैन फियर्ड सम पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ he would run away to the forest, in the forest he would join the company of other men who had come there like him, such men were called outlaws,
दे मेड देयर लिविंग बाई हंटिंग डियर और बाई रॉबिंग ट्रेवलर्स ऑन द हाईवेज। यहां देखिए तीन क्वेश्चन पूछा गया है, एक दो तीन, और वो भी इसी पैसेज में। व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर अ स्मॉल ऑफेंस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज? क्या होता था? हैंगिंग। मिल गया। आगे, हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज? सेरिफ्स। देखिए कितना तेज हो तुम लोग, है ना। व्हाई डिड अ मैन रन अवे टू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड? क्यों भाग जाते थे? पनिशमेंट से बचने के लिए, तो टू एस्केप पनिशमेंट फ्रॉम द सेरिफ। क्या जो बात मैंने बताया, ये थ्री नंबर फ्री का आता है, क्या फ्री का नहीं आ रहा है? मैं प्रूफ भी कर रहा हूं। तो इस तरीके से अगर आप इस तरीके से तैयार करते हैं ना भाई, 100 में से 100 ला सकते हैं, अगर आपने राइटिंग, हैंड राइटिंग, हर चीज अच्छा रखा तो। कोई बड़ी बात नहीं लाना, आखिर जो लाते हैं हमारी तुम्हारी तरह इंसान ही तो होते हैं, या कहीं वो किसी ग्रह से टपक कर आए रहते हैं। अच्छा, अभी समझ में आया। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये ग्रामेटिकल बेस्ड, यानी कि क्या है, कुल मिलाकर आप इतना समझो, जितने क्वेश्चन अभी पहले इतना आपको दो सेक्शन का समझ में आया, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, यानी कि रीडिंग राइटिंग से बार बार करते हो, पढ़ाई लिखाई, तो पढ़ाई से 10 नंबर, लिखाई से 10 नंबर। क्लियर है ना। अब तीसरा जो सेक्शन होता है वो होता है भैया लिटरेचर सेक्शन होता है। तीसरा सेक्शन जो होता है वो लिटरेचर सेक्शन होता है, जिसमें प्रोज से रिलेटेड, पोएट्री से रिलेटेड, और जो है सप्लीमेंट्री, यानी कि प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, MENTRY, ये तीन से आते हैं। क्लियर। अब यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो पहले नंबर ये समझो भैया, लिटरेचर से तुम्हारा 35 नंबर का क्वेश्चन आता है। लिटरेचर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 35। अब याद करो क्यों गुरुजी कहते हैं सारे चैप्टर की समरी तैयार कर लो, 35 नंबर का अकेले प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आता है, अकेले 35 नंबर का, है ना। तो 35 नंबर का प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आता है, लेकिन ये समझना कैसे आता है, ये समझना ज्यादा जरूरी है कि कैसे आता है। तो देखो भैया, प्रोज से आता है 15 नंबर का क्वेश्चन, प्रोज से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, और पोएट्री से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। पोएट्री से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितना हो गया? 15, 8, 23 हो गया, बचा कितना? 12 नंबर का क्वेश्चन आता है सप्लीमेंट्री से। देख रहे हो, इसीलिए गुरुजी ने सप्लीमेंट्री का ही 5 चैप्टर दिया। 12 नंबर का क्वेश्चन आता है सप्लीमेंट्री से आता है। क्लियर है। प्रोज से 15 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि शुरुआत वाला सब पढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री बीच में बेचारा किनारे रह जाता है ना। पोएट्री से आता है 8 नंबर का क्वेश्चन, और सप्लीमेंट्री से आता है 15 नंबर का क्वेश्चन, अरे सॉरी 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब कैसे आता है ये भी समझो, देखो ध्यान से समझने है, कैसे क्वेश्चन आता है अभी मैं दिखाऊंगा। अभी जो प्रोज से क्वेश्चन आता है, ये दो क्वेश्चन आते हैं MCQ, जो प्रोज वाला क्वेश्चन आता है इसमें जो दो क्वेश्चन रहता है वो कैसा रहता है? MCQ रहता है, प्रोज से रिलेटेड। क्लियर है, प्रोज से रिलेटेड, और वो भी एक पैसेज के माध्यम से, पैसेज वाला MCQ, पैसेज में से खोजना रहेगा, यानी कि 2 नंबर यहां से मिला। ये इतना समझ पा रहे ना, यानी कि प्रोज से जो क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन किसे आता है? MCQ, पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज से 2 MCQ रहेगा, फिर उसके बाद में 3 MCQ और रहेगा, और वो लेसन पर बेस्ड रहेगा, उसके लिए कोई पैसेज नहीं दिया रहेगा, ध्यान देना। यानी कि जो 2 नंबर का MCQ आता है उसके लिए पैसेज दिया रहेगा, लेकिन जो 3 नंबर का MCQ फिर आता है उसके लिए पैसेज नहीं दिया रहेगा। ये हो गया 5 नंबर, बोलो इतना क्लियर है ना। अब इसके बाद में क्या होता है, टू शॉर्ट आंसर लिखने के लिए आता है। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, टू क्वेश्चन आपका आता है, टू शॉर्ट क्वेश्चन आता है, टू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है। टू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आता है ये कितने नंबर का आता है? तो ये एक क्वेश्चन रहता है 3 नंबर का, है ना, तो ये 3+3 यानी कि 6 नंबर का
आता है और ये रहता है प्रोज बेस्ड। देखो प्रोज के नीचे मैं प्रोज वाला बात कर रहा हूं, क्लियर है। इसके बाद में वन जो है लॉन्ग आंसर आता है, वन क्या आता है लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और ये जो प्रोज वाला लॉन्ग क्वेश्चन रहता है ये रहता है चार नंबर का, यानी कि प्रोज चार छ दस और यहां दस तीन तेरह दो पंद्रह, यानी पंद्रह नंबर पूरा हुआ। कैसे क्वेश्चन आता है आप ध्यान से समझो, जो प्रोज से एक क्वेश्चन लॉन्ग वाला आता है, अगर जैसे मान लो आपको कुछ नहीं पता है, आपको मान लो कुछ नहीं पता है, तो आप कहानी के अनुसार कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं। जो शॉर्ट वाला आता है तीन तीन नंबर का, कहानी के अनुसार कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं, है ना। एमसीक्यू ये दो क्वेश्चन एमसीक्यू ये तो कर सकते हो क्योंकि अनसीन वो पैसेज बेस्ड है, लेकिन ये तीन क्वेश्चन इसके लिए मेहनत करना होगा। हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यू दिया रहता है और एमसीक्यू भी एक बार ईमानदारी से पढ़े रहोगे तो आराम से पांच नंबर में से पांच कर सकते हो। तो इधर पांच में से पांच फिक्स रखो, चार में से कुछ नहीं, तीन दो नंबर तो पा ही सकते हो, छह में से चार पा सकते हो, तो चार यहाँ चार तीन सात, सात पांच बारह, पंद्रह में से बारह या दस तक तो ला ही सकते हो। समझ में आया। अब जो पोएट्री की कहानी होती है, क्लियर है। अब यहां पर देखिए तीसरा सेक्शन लिटरेचर सेक्शन है, यहां पर दिया भी रहेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर 30-40 शब्दों में देना है। तो 30-40 हो ही, लगभग 50 तक हो जाए तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रहे बढ़िया क्लियरिटी के साथ, राइटिंग के साथ। जैसे व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इंप्रेस्ड द पोस्ट मास्टर, लेंचो की कौन सी क्वालिटी ने पोस्ट मास्टर को इंप्रेस कर दिया, हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम, और किस प्रकार उसने मतलब पोस्ट मास्टर ने उनकी सहायता करने का निश्चय किया। अब बताओ आपने कहानी अच्छे से पढ़ रखा है, आपको क्वेश्चन आंसर नहीं भी पता है, सपोज करो अच्छे से नहीं याद है, तो आप कुछ ना कुछ तो लिख कर आओगे, तीन नंबर में से दो नंबर तो मिल ही सकता है अगर आपका राइटिंग हर चीज सही है, तो तीन भी मिल सकता है अगर आपने ढंग का लिखा तो। और करके एक और अच्छी बात है, और करके ये भी देते हैं, ऑप्शन देते हैं, और क्या एग्जामिनर और क्या हिंट करेगा, बच्चा इतना राहत दे रहा है और क्या राहत देगा, और करके ये दिया, अगर आप ये ना कर पाओ तो ये करो, व्हाट डिड राजबीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू देकिया बारी, यानी कि राजबीर ने क्या किया अपनी कार, जब वो अपने कार अपनी जर्नी देकिया बारी की तरफ, देकिया बारी की ओर अपनी कार से जर्नी कर रहे थे, तब उसने क्या किया। अब आपको जो दो आंसर जो बढ़िया से पता रहे वही आपको आंसर करना है, जिसमें आपको लगे जिसमें मैं अच्छे से लिख सकता हूं, ये मैं सोचवा रहे लंच वाला सब लिखेंगे, अरे नहीं, जो आपको ढंग का आप लिख सको वही लिखना है, और दो में से एक ही करना नहीं, दोनों कर दो लास्ट में पता चले दो क्वेश्चन छूट गए, एक ही ये, और सीधा सीधा, इसीलिए ये कह रहा हाईलाइटेड सीधा कि भाई देख ध्यान से देख, और करके छोटा से लिखता तब भी ये कंफ्यूजन, दूर से दिखना चाहिए, है ना, मतलब दो में से एक ही करना है। तो तीन तीन नंबर का एक क्वेश्चन तो ये हो गया तीन नंबर का। अब आगे देखिए यहां पर ये दूसरे में भी और करके दिया है, व्हाट इज अ सीगल, सीगल क्या है, व्हाट इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट, है ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट के बारे में आपने क्या सीखा, एक तो क्वेश्चन ये पूछा, दूसरा और करके व्हाट प्रॉम्प्ट एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, यानी कि डायरी लिखने के लिए, डायरी लिखने के लिए एनी फ्रैंक को, एनी फ्रैंक को क्या चीज प्रॉम्प्ट हुआ, मतलब क्या चीज उसने दिखाया उसमें, यानी किस वजह से, व्हाट नेम डिड सी गिव इट टू इट, और उसने उसका क्या नाम दिया। अब यहां पर यहां दोनों क्वेश्चन कुछ उलझा उलझा लग रहा है, क्योंकि दोनों चैप्टर की कहानी समरी आपने उलझी उलझी पढ़ी, अगर दोनों चैप्टर की समरी आपने अच्छे से पढ़ी होती, समझ पा रहे हैं, लेंचो की समरी बहुत अच्छे से क्लियर है, तो वहां कोई उलझा नहीं लगा, है ना। तो इसीलिए कहता हूं समरी अच्छे से पढ़ो, कम से कम आपको कुछ नहीं पता है तो बना बनाकर कुछ तो लिख ही ले जाओगे, बाकी क्वेश्चन आंसर भी याद करना है आपको, कुछ लाइन्स याद है कुछ अपने हिसाब से, समझे। अब यहां सीगल क्या है, फर्स्ट फ्लाइट, तो आप सपोज करो आपको कुछ नहीं, सारा उलझा उलझा सब याद है, उससे रिलेटेड ही लिखना है, सीगल से रिलेटेड लिखना है, सीगल की पूरी हिस्ट्री लिख दो, कैसे सीखी, कहानी याद आ रही होगी लेकिन उलझी उलझी याद आ रही होगी, है ना, इसी तरह से। तो अभी भी टाइम है इसीलिए दिखाया जा रहा है, ताकि कुछ नहीं लिटरेचर में 35 नंबर के लिए सबसे पहले सबकी समरी, और समरी जैसे पहले चैप्टर लेंचो वाली समरी दिमाग में सेट है, वैसे सारे चैप्टर की समरी दिमाग में सेट होनी चाहिए, क्लियर है।
अब भैया ये होता है, इसके बाद एक ये देखो और करके फिर दे, पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, ये करें आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, किसी एक के बारे में 60 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। अच्छा इन्होंने हाँ एक के बारे में लिखना है, तो यहां पर डिस्क्राइब नेल्सन मंडेला, है ना, नेल्सन मंडेला को डिस्क्राइब करो, पूरा कहानी लिखना है। अब जो जितना अच्छे से पता रहेगा वो उतना अच्छे से लिखेगा कंपेयर करते हुए गांधी जी से, है ना। और दूसरा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन नटल्या एंड लोमोव। अब तुम कहोगे ये कौन सा क्वेश्चन, ये तो हमें लगता है 30% में कट गया है, तो अब हमें लिखना होगा यही वाला ही, क्योंकि अगर मान लो यही ऑप्शन नहीं दिया होगा, ये नटल्या लोमोव वगैरह दे देता तब तुम लटक ही जाते, समझ पाए ना। तो ये चीज एनीवन कोई एक करना है 60 वर्ड में चार नंबर की, इसलिए मैं कहता हूं सारे चैप्टर को पढ़ना जरूरी। मान लो आपने नेल्सन मंडेला नहीं पढ़ा है तब तो आप गए काम से ना, अब नटल्या पहली बार सुन रहे हो, इसके बारे में क्या बना कर लिखोगे, जरा सा सोचो, कुछ लिख सकते हो इसके बारे में, फिर आप उल्टा पुल्टा लिखोगे, या तो एकदम सही रहेगा या तो एकदम गलत ही रहेगा। नटल्या वाज अ मैन एंड लोमो वाज हिज फ्रेंड, बोथ आर लिविंग इन अ रूम, और पता चला बाद में ये दोनों पति पत्नी निकले, तुम फ्रेंड बनाए हो, कई सारा केस हो सकता है ना, समझे। चलो तो आपको ये चीज है, ये प्रोज का समझ में आया। अब आते हैं हम लोग पोएट्री में, अब आते हैं कहां पर, पोएट्री में। तो जो पोएट्री से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, कैसे आता है ये समझो, तो पोएट्री से 2 क्वेश्चन आता है, 2 MCQ आता है, वो भी स्टेंजा बेस्ड, यानी कि पोएट्री का 4 लाइन दे देगा, उस पर 2 क्वेश्चन MCQ वाला दे देगा, और ये थोड़ा कठिन हो जाता है, ध्यान देना अभी दिखाऊंगा, ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। फिर इसके बाद में आगे जो होता है नेक्स्ट, आपका एक शॉर्ट आंसर आता है, यानी कि 2 नंबर यहां से हो गया आपका, 2 नंबर आपका यहां से हो गया, एक शॉर्ट आंसर आता है, यानी कि 1 शॉर्ट क्वेश्चन, आंसर नहीं आता है, आंसर तो लिखना रहेगा, 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और ये जो एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता है ये रहता है 3 नंबर का, ये कितने नंबर का रहता है, 3 नंबर का रहता है, क्लियर है ना। और इसके बाद में भैया एक तुम्हारा आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक क्या आता है, एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और ये भी रहता है 3 नंबर का, तो 3 3 6 2 8, क्लियर है, इतना समझ पाए। लेकिन ध्यान देना इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन ना पूछकर, लॉन्ग क्वेश्चन या तो पूछा जा सकता है उसे, जनरली लॉन्ग क्वेश्चन कम, लेकिन सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाता है, और सेंट्रल आइडिया फिक्स है, सेंट्रल आइडिया आपका फिक्स है, और वहां कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको सेंट्रल आइडिया ही लिखना रहेगा, 2 3 पोयम दिया रहेगा, ये नहीं कि लॉन्ग, या तो लॉन्ग क्वेश्चन या तो नहीं, एक ही रहेगा, वैसे ज्यादा सेंट्रल आइडिया ही आने का पॉसिबिलिटी, क्लियर है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए इधर ये पोएट्री का है, व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल इज अमांडा, अमांडा किस प्रकार की लड़की है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज सी वॉन्ट टू लिव, अमांडा किस प्रकार की जीवन जीना चाहती, अब कहानी याद आ रही होगी लेकिन थोड़ी उलझी उलझी है ना। और करके दिया गया है, और करके राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में है ना आई हुई पोएम में से 4 लाइन लिखना है, 4 लाइन की पोएम लिखनी, लेकिन डू नॉट कॉपी द लाइन्स ऑफ गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन पेपर में जो पोयम दिया गया वही छाप दो, ये करें कॉपी मत करो बच्चा, है ना, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, 3 नंबर का सवाल है। पोयम लिखने का मतलब बढ़िया अट्रैक्टिव में लिखो, ये नहीं कि 2 2 शब्द की 4 4 लाइन बना दे, नहीं थोड़ा सा ढंग का लिखो फिर, क्योंकि 3 नंबर पाना है, ढंग का लिखो, अट्रैक्टिव लिखो, राइटिंग लिखो, राइटिंग में, क्योंकि यहां पर तो चलो ठीक है लॉन्ग है, आप क्वेश्चन आंसर में थोड़ा खींच भी सकते हो, 4 लाइन की पोएम में कहां खींच सकते हो, लिखनी है तो 4 ही लाइन, तो जब 4 ही लाइन लिखनी है तो थोड़ा सा वो पोएम याद करो जो थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग लाइन वाली पोएम रहती ना, लंबी लंबी लाइन वाली पोएम रहती है, कि 4 लाइन लगे कि हाँ 4 लाइन वाली पोएम लिखा है, क्लियर है ना। ये नहीं कि तुम लिखो 4 लाइन, एग्जामिनर को लग रहा है भाई ये तो 1 लाइन है,
एक लाइन को चार पार्ट में तोड़ दिया गया, ऐसा भी नहीं करना है, क्लियर है? तो दो में से जो अच्छे से क्लियर रहे, अगर आपको लगता है ये लिख दे तो ये लिख दो, आपको लगता है ये लिख दे, जो आपको ऑप्शन दे रखा है। फिर इसके बाद में देखो तीन नंबर का सेंट्रल आइडिया, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन द अबाउट 40 वर्ड्स, निम्नलिखित पोएम में से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना, और कोई ऑप्शन नहीं, सेंट्रल आइडिया ऑप्शन एक की तीन में से एक पोएम का। पहला फायर एंड आइस, द बॉल पोएम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब तीन में से कोई एक तो तैयार ही रहना चाहिए, यानी कि मान के चलो छह सात पोएम है, सेंट्रल आइडिया सबका तैयार कर लो, कोई एक तो आ ही जाएगा, ये फिक्स है, क्लियर है? और सेंट्रल आइडिया जरा जरा से होता है, ये तो पता ही सर, क्लियर? अभी समझ में आया? अब इसके बाद में आते हैं सप्लीमेंट्री वाला पोर्शन दिखाते हैं, ओके? बात करते हैं सप्लीमेंट्री की, तो भैया कुछ कालिक पोत देते हैं इनका, यानी कि सप्लीमेंट्री की बात किया जाए तो वहां से क्वेश्चन आता है 12 नंबर का क्वेश्चन आता है सप्लीमेंट्री से। कितने नंबर का क्वेश्चन? 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। कैसे आता है? तो इसमें भैया 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन, वो भी एमसीक्यू वाला, यानी कि 5 एमसीक्यू रहता है, और लेकिन यहां पर कोई पैसेज नहीं देता है, लेसन से रहता है, डायरेक्ट एमसीक्यू, ये समझ पाए? 5 क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से आता है, लेकिन ये इसके लिए पैसे नहीं रहता है, डायरेक्ट लेसन से आता है, मतलब डायरेक्ट एमसीक्यू देता है, क्लियर? तो यहां से 5 नंबर आपका ये हो जाएगा। फिर एक शॉर्ट आंसर आता है, 1 जो है आंसर नहीं क्वेश्चन आता है, 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है आंसर, 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जो कि रहता है 3 नंबर का, क्लियर है? और इसके बाद में 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जो कि अबे रुक, जो कि रुक जा भाई, ये चक्कर है, हाँ, जो कि रहता है 4 नंबर का रहता है, क्लियर है ना? एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का और एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 4, 3, 7, 5, 12 इस तरीके से लाइए दिखाते हैं। यहां पर देखिए अभी एमसीक्यू वाला सब इकट्ठा दिखाते हैं, यहां पर देखिए 3 नंबर वाला, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, करें किसी एक का, एनी वन का मतलब किसी एक आंसर दो, वो भी 30 से 40 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, हरी सिंह अनिल के पास क्यों वापस लौट कर आया? व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी विश्वंभर, भोली ने विश्वंभर से शादी करने के लिए क्यों मना कर दिया? अभी भोली वाले चैप्टर तो पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए आप सोच रहे होगे भोली कितना नाम प्यारा, क्या भोली है, भोली होकर हम शादी के लिए मना कर दे? अच्छा खैर, अभी ये भाई जब समरी अभी क्लियर होती तो आसानी से क्लियर हो जाती, लेकिन ये अनिल वाला क्लियर है, हरी सिंह अनिल के पास क्यों आया, है ना? अब जैसे देखो आप क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में कम आए, जो आप आंसर याद करके गाओगे वो याद करके जाओगे वो दिमाग में नहीं आएगा, दिमाग में आएगा सर ने क्या बताया था, कहानी कैसी बताई थी, किस अंदाज में बताई थी, ये सारी पूरी कहानी याद आ जाएगी। और जब आपको समरी याद आ गई तो कहीं ना कहीं काफी हद तक आप 3 नंबर में के लिए कुछ ना कुछ तो लिख ही ले जाओगे। बस हाँ, ट्रांसलेशन वाली हैबिट रहनी चाहिए कि जो आप सोच रहे हो उसको इंग्लिश में लिखने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और वो भी स्पीड में, ये नहीं कि धीरे धीरे सोच सोच कर जो है पता चला लास्ट वाला क्वेश्चन छूट गया, ऐसा भी नहीं करना है, क्लियर? आगे फिर 4 नंबर का आंसर एनी वन, अच्छा है कि ऑप्शन दे रहा है एनी वन, ये वन को देखो हाईलाइटेड कर दिया कि देखो भैया ने, वो भी समझ रहा है हाई स्कूल के बच्चे हैं बेचारे, पहली बार बोर्ड में जा रहे हैं, इसलिए वन को हाईलाइटेड कर दिया कि भैया एक दुई है यक्के करना नहीं, दुई नो छाप दो, एक ही करना है, है ना? यहाँ देखिए, हाउ इज होरेस डैनबी चीटेड बाई द लेडी इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की कहानी में होरेस डैनबी ने, होरेस डैनबी को एक लेडी के द्वारा किस प्रकार से धोखा दिया गया, क्लियर? अब तुम्हारा समरी पढ़े ही नहीं हो तो पहला क्वेश्चन ये होरेस डैनबी कौन है, ये क्वेश्चन अभी समरी पढ़े होते एक बार तो कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाता। अच्छा दूसरा क्या है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मटिल्डा लॉइजल बिफोर एंड आफ्टर सी लॉस्ट द नेकलेस, मटिल्डा लॉइजल की कहानी के जीवन को डिस्क्राइब करो जब उसने नेकलेस को खो दिया, खो देने के बाद और खो देने के पहले, यानी कि नेकलेस वाला चैप्टर है। अब आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, हवा ही नहीं लगा, तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गया, ये जो 35 नंबर का लिटरेचर आता है प्रोज और पोएट्री या
सप्लीमेंट्री, तीनों की समरी सेट रहनी चाहिए। अगर कुछ नहीं पता है, आप एकदम गधे हो, है ना, एकदम गधी हो, अगर समरी सबकी पता है समरी, तो समरी के बेस पर आप कुछ ना कुछ ट्रांसलेट कर करके लिख तो सकी सकते हो, और 35 में से भाई 20 नंबर तो गिरी हालत में ला ही सकते हो। क्लियर है, समझ में आया? आगे अब देखते हैं, अब नेक्स्ट सेक्शन, अब नेक्स्ट यानी कि फोर्थ सेक्शन, सेक्शन डी जो होता है ये ग्रामर का सेक्शन होता है। सेक्शन डी जो होता है ये किसका सेक्शन होता है? ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, ये चीज होता है। इसको केवल ग्रामर नहीं बोलेंगे बल्कि ग्रामर एंड ट्रांसलेशन का सेक्शन होता है, जहां से फिक्स है ट्रांसलेशन से 4 नंबर फिक्स है ट्रांसलेशन से। अच्छा एक चीज और है, ग्रामर और ट्रांसलेशन से कुल मिलाकर ये 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। बच्चे साल भर तैयारी करते हैं तो 15 नंबर की तैयारी करते हैं, अगर कोचिंग कोई करता है तो 15 नंबर की कोचिंग करता है। अनसीन पैसेज, रीडिंग सेक्शन, बहुत खास नहीं फोकस करवाया जाता है उसे, कोचिंग वाले भी बता देते हैं हाँ एक लेटर याद कर लेना, एप्लीकेशन याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना, है ना, तैयारी किसकी तैयार करवाते हैं 15 नंबर। और 15 नंबर में देखो कैसे आता है, अभी हंसी आएगी एक बार। क्लियर है? अब देखो यहां पर ग्रामर सेक्शन में कैसे क्वेश्चन बनता है ये देखो, जैसे जो, लेकिन हाँ यही 15 नंबर के चक्कर में ना हर चीज को इंग्लिश में लिखने की आदत हो जाती है, जो आप हिंदी में सोच रहे हो उसको इंग्लिश में बदलने की क्षमता आ जाती है। हिंदी में लिखा हुआ मैटर ये ग्रामर ट्रांसलेशन के चक्कर में समझने की क्षमता आ जाती है। 15 ही नंबर का, लेकिन सबका बाप है ये भाई, ग्रामर ट्रांसलेशन स्ट्रांग है, आप पैसेज को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मीनिंग उसका बता सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हिंदी में जो दिमाग में बातें हैं उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसको ऐसे बुराई मत करो, बुराई करके प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा अब देखो कैसे क्वेश्चन आता है इससे, जो इनमें क्वेश्चन आता है इसमें आता है भैया 5 क्वेश्चन रहता है, जो 5 क्वेश्चन जो MCQ रहता है, 5 क्वेश्चन क्या रहता है? MCQ रहता है। और MCQ किस पर बेस्ड रहता है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड। अब देखो यहां पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड MCQ रहता है, टेंस पर बेस्ड रहता है, है ना, आर्टिकल पर बेस्ड रहता है, आर्टिकल्स AN द वाले पर। क्लियर है? और जो है स्पेलिंग पर बेस्ड रहता है, यानी कि 5 क्वेश्चन 5 चैप्टर पर आधारित स्पेलिंग पर बेस्ड रहता है, और एक सेंटेंस के करेक्शन पर बेस्ड रहता है, यानी कि री ऑर्डरिंग द सेंटेंस, सेंटेंस को सही ऑर्डर में लिखना, री ऑर्डरिंग द सेंटेंस, इस पर बेस्ड रहता है। सोचो यार 5 चैप्टर पर बेस्ड 5 क्वेश्चन, वो भी MCQ वाला, आया तो आया, गया तो भैया सारी साल भर की मेहनत मिट्टी मिल गई। अभी दिखाता हूं। अच्छा एक ही आता है, रुके, एक तो ये हो गया, 5, 4, 9 हो गया, अभी 6 नंबर बाकी, अभी देखना 6 नंबर कहां से आता है। ठीक, इतना समझे। अब क्या होता है, 3 क्वेश्चन आता है आपका, 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और ये 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 3 टॉपिक पर बेस्ड होते हैं। एक तो नरेशन पर बेस्ड होते हैं एक क्वेश्चन, है ना, एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस पर बेस्ड होता है, और एक क्वेश्चन जिसको कोई कोचिंग वाला नहीं पढ़ाता है, स्कूल वाले भी बहुत मुश्किल से पढ़ाते हैं, वो है पंचवचन पर बेस्ड रहता है। क्लियर है ना ये? लेकिन हाँ याद रखना, ये 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, ध्यान देना यहां पर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यानी कि 2 + 2 + 2 3 क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। क्लियर है? और अगर किसी का नंबर बर्बाद करवाता है तो यही ग्रामर सेक्शन, किसी का नंबर आबाद करवाता है तो यही ग्रामर सेक्शन, क्योंकि अभी तक जो आपने देखा था लिटरेचर से बनाकर सब लोग लिख लेंगे, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, सब लोग हाथ पैर मार लेंगे, इसमें वही बच्चा कर पाएगा जो ढंग का पढ़ा होगा। अगर वो 15 में से 10 भी या 12 भी ले आया ना, तो स्कोरिंग तो हो ही गया ना, यही स्कोर भी करवाता है और यही नंबर गिराता भी, कैसे दिखाता। देखिए यहां पर देखो 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है,
ठीक है। ठीक है, यहां पर देखिए, ये देखिए एमसीक्यू, ये ग्रामर वाला है। देखिए आई मेट डैश ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल, अब बताइए क्या होगा? एन होगा, आर्टिकल से क्वेश्चन आया, लो आपको तुरंत नंबर मिल गया। मान लो किसी ने ए कर दिया तो गलती से उसको नंबर गलत मिल गया, जीरो मिल गया, ये एक जो था वो तुरंत गोला बन गया, ठीक है ना। यही होता है इसमें एमसीक्यू में, सही तो सही और गलत तो गलत। फिर अनलेस, अब ये ग्रामर का क्वेश्चन है, अनलेस ही बेग्स माई पार्डन, जब तक कि वो मुझसे क्षमा नहीं मांगता है, आई डैश नॉट एक्सक्यूज हिम, बताइए आई मस्ट, आई विल, आई कुड, आई माइट, अब याद करो मैंने बताया था जब तक वो मुझसे क्षमा नहीं मांगता है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो आगे वाला पोर्शन फ्यूचर में रहे। इसका सेंस ये आता है, आप अपने हिसाब से निकालो, जब तक वो मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा मैं उसे माफी, मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा, मैं उसकी कोई एक्सक्यूज नहीं लूंगा, है ना, कोई बहाने नहीं सुनूंगा, तो आई विल नॉट एक्सक्यूज हिम। यहां बिल होगा। अब ये ग्रामर का क्वेश्चन, असली ग्रामर का क्वेश्चन आ गया तो आ गया, आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो नंबर कटेगा कल्ले कल्ले। ओके चलो नेक्स्ट आता है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स, वर्ड क्लस्टर्स टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। अब ये है, इनको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, ऑप्शनल में दिया थोड़ा सा राहत है, अभी डायरेक्ट दे देता हालत खराब जाती। मंथली टेस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन मैंने दिया था, हालत खराब गई थी। बिहेवियर गॉट आई हीज एट एंग्री, अच्छा बनाना है पहले सब्जेक्ट क्या होगा। अब इसमें बताइए, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर, आई एंग्री गॉट हिज एट बिहेवियर, एंग्री गॉट आई हिज बिहेवियर एट, हिज बिहेवियर एंग्री गॉट आई एट, अब क्या होगा? अच्छा ऑप्शनल जितना आसान है उतना कठिन भी है। आपने पहला पढ़ा आपको लगा ये होगा, कभी कभी ऐसा होता है दूसरा पढ़ा आपको लग रहा दूसरा सही होगा, लेकिन इसमें सही ऑप्शंस देखो, आई गॉट एंग्री मैं गुस्सा हो गया, एट इज बिहेवियर उसके व्यवहार के ऊपर, उसके व्यवहार पर पहला सही होगा, क्लियर है? हाँ, और अक्सर ये होता है ना, जो सही रहता है तुम पहली नजर में ये रहता है हाँ सही है, लेकिन जब बाद में दूसरा देखते हो ना तो अब इसको छोड़ो ये सही है, ये सही नहीं है, है ना। जैसे कपड़ा वगैरह जो पहली बार पसंद आ गया नहीं तो फिर खोजते रहो, आधे घंटे के बाद पसंद आने वाला नहीं, लास्ट में जबरदस्ती भैया यही दे दो, है ना। आगे देखिए, अब यहाँ फिर ये ग्रामर वाला क्वेश्चन है, ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी, बताइए प्रिवेंटेड मी, अब ये फिक्स प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आया है, क्या होगा? ऑफ, फॉर, फ्रॉम, ऑन। अब कुछ लोग पता है उल्टा देखते हैं, गोइंग लगा टू लगा, लेकिन खैर यहां टू नहीं लगा, नहीं। अरे खैर ही प्रिवेंटेड मी, बताइए क्या होगा? अब यहां पर आपको फिक्स प्रेपोजिशन याद रखना होगा, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगता है, बेट के साथ फॉर लगता है, तो यहां ही प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे मना किया फ्रॉम गोइंग टू द सिटी, शहर जाने के लिए या शहर जाने से, कुछ लोग ऐसे उसने मुझे शहर जाने के लिए मना किया, अच्छा जाने के लिए आ रहा है, केले केले लगा दो फॉर, और गलत हो जाता है। यहां फिक्स उसने मुझे शहर जाने से मना किया, जबकि के लिए का सेंस निकाल रहे हो तब भी आ रहा है, लेकिन यहां तब आता है फिक्स प्रपोजिशन, ये कहता है भैया प्रिवेंट के साथ फ्रॉम ही लगेगा, क्लियर है? एफपी फिक्स प्रपोजिशन से क्वेश्चन है। आगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, बताओ कौन गलत स्पेल्ड है? अब तुम हमेशा सोचते थे यार इसे इसे भरने के लिए आएगा, लेकिन यहां तो भैया चार दे दिए, कौन सा गलत है? ह्यूमर, एच यू एम ओ यू आर, एस एच ए आर ई, तुमको लग रहा है यार मिस स्पेल्ड का बताए, है ना, तुमको लग रहा है, या कभी आ जाता है कौन सा सही स्पेल्ड है, तुमको सब सही लग रहा है, इसमें कौन सा गलत है पहले ये मतलब समझो, मिस स्पेल्ड मतलब किसकी स्पेलिंग मिस है, तो पहला तो सही है, अब तुम करो यार पहला तो हम पहली बार सुनते हैं सही है कि गलत है ना,
ई तो ना है, हाँ शेयर तो ई तो पक्का ही तो सही बात है, ब्रीफली हो सही बात है। लैंग्वेज एल ए एन जी यू ई जी ई, अब तुम सोच रहे यार ई जी होगा कि ए जी ई, क्या होगा? यही द्विमासी या खोए पक्का कैसे, दोनों तो सही बात, ये दोनों पक्का सही बात। यामन से कौन हुए, एक दो एक दो एक दो, जय बजरंग बली तोड़ देना, जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली तोड़ देना ली, ये आ गया, ये लगा है ना। ऐसे मतलब बच्चे ऐसे हरकतें करते हैं, आप लोग हंस रहे हो, आप लोग भी करते हो है ना, अगर नहीं पता रहता है, जबकि इसमें ह्यूमर ये बिल्कुल सही है आपका, लैंग्वेज गलत है, यहाँ ए जी ई रहेगा, मिस स्पेल्ड ये, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब यहां पर, अब इसके बाद में नहीं नहीं ग्रामर बेस्ड, हाँ यहां पर अब ग्रामर का जो है, ये जो तीन नंबर का आता है ना, ये देखो चार नंबर का ट्रांसलेशन वाला, मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, यहाँ के लोगों में बड़ा अपमान है, अपनापन है, अरे हाँ अपनापन है भाई, यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है, मेरे गांव में कारखाने नहीं है इसलिए यहाँ प्रदूषण भी नहीं है, पता है मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे और हरे भरे खेत बहुत याद आते हैं, है ना, ये चार नंबर का आया है, ऐसे आएगा तुमको, रत्ती भरसा आया है, अरे करने बैठोगे तब पता चलेगा रत्ती भरसा पैसेज है, बड़ा भी आ सकता है याद रखो, कोई जरूर नहीं है छोटा ही है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए पंचुएट, पंचुएशन से दो नंबर का क्वेश्चन, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स आल्सो वेयरएवर नेसेसरी, ये करें कैपिटल लेटर्स का यूज करो जहां जहां जरूरत हो, आपने शुरुआत किया अरे गजब, पहला लेटर कैपिटल में यानी कि एच कैपिटल में, ही सेड, फिर यहां पूछ रहे विल यू हेल्प मी और शैल आई आस्क समवन एल्स, अब तुम्हारा दिमाग खराब, हाँ आई, अरे गजब ये कैपिटल में रहेगा, चलिए अब यहाँ पर देखिए दो नंबर का आता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, अब यहाँ पर आई नो हिम वेल, तो यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक ही है, तो इसका क्या होगा, ही वाज नोन वेल टू मी, ही वाज नोन वेल टू मी, ये चीज होगा आपका दो नंबर का, जिसने किया तुरंत दो नंबर मिला, जिसने नहीं किया नंबर गया। आगे नेक्स्ट दो नंबर का आता है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, आ मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन, अब ये आपको पहले ये देखना बाहर कौन है, उसके पहले ये देख लो अंदर वाला सेंटेंस कैसा है, तो इज दिस द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि यहां क्लियर हुआ सेट टू जाएगा आस्क्ड में, लेकिन ऑलरेडी आस्क्ड में चेंज है, तब ऐसा नहीं कि हाँ अच्छा सेट टू आस्क्ड में तो मतलब आस्क्ड सेट टू में, ऐसा नहीं दिमाग लगाना है, आस्क्ड है तो है, तो आ मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू रहे तो इफ या वेदर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा इफ दिस चेंज होता है डेट, इफ डेट वाज द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, क्लियर है, इस तरीके से होगा। अब यहां पर आपने देखा ग्रामर से 25 नंबर का, कितने नंबर का क्वेश्चन था, 15 नंबर का क्वेश्चन था, जहां से चार नंबर का ट्रांसलेशन फिक्स है और दो दो नंबर का ग्रामर का रूल जो बड़का बड़का है, मतलब नरेशन पैसिव पंचुएशन, मेन तीन चैप्टर ये है, क्लियर है, और पांच नंबर का एमसीक्यू, बाकी सब फुटकर पांच नंबर में आएंगे, क्लियर है ना। अभी यहाँ पर देखिए मैंने बताया था पैसेज बेस्ड दो क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ कूर्ज और कोडाग्यू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस, एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट ओवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट,
ड्यूरिंग द मॉनसूनस इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेज फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कूर्ग सिचुएटेड. इंडिया के कौन से स्टेट में कूर्ग सिचुएटेड, तो कौन से, कर्नाटका. क्लियर है. आगे, द बेस्ट सीजन टू विजिट कूर्ग इज, कूर्ग में जाने का सबसे बेस्ट सीजन क्या है, तो सेप्टेम्बर है ना टू मार्च. तो यहाँ क्या है, सेप्टेम्बर टू मार्च. ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है अपन अपन है बेचारा. ठीक है ना. आगे यहाँ पर, और मैंने ये भी बताया था, कुछ क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट आते हैं एमसीक्यू, तो डायरेक्ट वाले में डिपेंड करता है आपने कितना याद किया है. व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किसके लिए उम्मीद कर रहा था बताइए. अ गुड सोर ऑफ रेन, अ गुड क्रॉप, क्लाउडी वेदर, ब्राइट सनशाइन. अब तुम्हारा दिमाग खराब यार, एक अच्छी फसल की भी उम्मीद कर रहा था, एक क्लाउडी वेदर, बादल, मानसून भी बादल जैसा था, ब्राइट सनशाइन, पहले सनशाइन भी था, अ गुड सोर ऑफ रेन, रेन की एक अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा था. सब तो सही लग रहे हैं यार, लेकिन जार में से एक ही टिक करना है. अब बताओ, दुकान तो नहीं भैया, एक काम करो, चारों पैक करो, पैसा बाकी उधार, ऐसा तो कर नहीं सकते. तो बताइए, लेंचो किसके लिए उम्मीद कर रहा था. अब आपको याद करना है पहले, है ना. देखो, एक अच्छी फसल की भी उम्मीद कर रहा था, लेकिन बारिश की एक अच्छी सावर की भी उम्मीद कर रहा था. अब दोनों में से ये तो कंफर्म हो गया, दो यही दो मासी एक सही हुए, ये दो तो हुए ना. अब दो में से कौन सा सही होगा. क्लियर है. अब यहाँ पर आप दिमाग पर जोर दो, सबसे पहले लेंचो एक अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था हर साल की तरह, बाद में ये तो बारिश की उम्मीद किया. यानी कि जब आपने दिमाग पर जोर दिया, तब दिमाग ने कहा ले बेटा, अ गुड क्रॉप होगा, अ गुड हार्वेस्ट वहाँ पर था. याद आया कुछ. आगे देखिए, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. नेल्सन मंडेला. तुरंत आपने कहा गजब, ऐसे क्वेश्चन आया तब तो मजा आ जाए, पढ़े हो तब मजा आया, नहीं तो कुछ नहीं मजा आता. अब बताए, द बेकर्स ऑफ गोवा यूज्ड टू वेयर, गोवा के बेकर्स क्या यूज करते थे, क्या पहनना क्या पहनते थे. कबाई, काबाई, बोल, अ लॉन्ग क्लॉक, ऑल ऑफ अबव. अब ध्यान दो, वहाँ पर जो बेकर्स ऑफ गोवा, गोवा के बेकर्स थे. अब यहाँ पर कहानी जिसने पढ़ा होगा उसको क्लियर होगा, वहाँ पर दिया गया था अ लॉन्ग फ्रॉक. याद आया कुछ. अब यहाँ पर ये भी ऑल ऑफ द अबव होगा. क्लियर है. कई सारे बच्चे ऑप्शन देखते ही नहीं, कुछ काबाई लगा दिए, कुछ अलॉन्ग क्लॉक लगा दिए, कुछ बोल लगा दिए. क्लियर है. लेकिन यहाँ ऑल ऑफ द अबव होगा. अब नेक्स्ट देखिए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब यहाँ पर याद करो, मैंने बताया था जो पोएट्री से दो क्वेश्चन पैसेज बेस्ड आता है, गिवन पैसेज बेस्ड, तो ये स्टेंजा दिया गया है. अब यहाँ पर स्टेंजा क्या है, नाउ ही सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस पीपल विल टेक बाल्स, बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय. अब यहाँ, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम, द बॉल पोएम के पोएट कौन है. अब बताओ, जॉन बेरी मैन. अब यहाँ पर जिनको याद है वो तो आसानी से बता दे रहे हैं, जिनको हल्का हल्का याद है ना, उनको हल्का हल्का करके हल्का हल्का सब में कन्फ्यूजन रहता है, तो उनका यहाँ भी दिमाग जाता है जॉन बेरी मैन, फिर कहेंगे यार सिल्विया प्लाथ भी हो सकती हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी हो सकते हैं, डब्ल्यू बी ईड्स भी हो सकते हैं, तो कन्फ्यूजन के चक्कर में वो गलत कर देते. इसलिए हर चैप्टर के कम से कम राइटर तो कन्फर्म होने चाहिए. क्लियर है. तो जॉन बेरी मैन हल्का हल्का मत याद करो, हल्का हल्का चक्कर में ऑप्शनल में ना सब हल्का हो जाता है, नंबर भी हल्का हो जाएगा फिर, है ना. आगे, व्हाट डज इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस मीन, बताओ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस का मतलब क्या है. लव है, लस्ट है, मटेरियल थिंग्स है, या नन ऑफ द अबव. अब ये वही बताओ यहाँ कहीं मतलब लिखा है. अब जिसने पोयम को अच्छे से पढ़ा होगा लाइन बाय लाइन वही कर पाएगा. बताओ,
वर्ड ऑफ पजेशंस का मतलब होता है मटेरियल थिंग्स, सांसारिक चीजें, है ना। लव लस्ट नहीं होगा, सांसारिक चीजें होंगी, मटेरियल थिंग्स होंगी। आगे अब यहाँ पर फिर मैंने और बताया था कि कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते, तो यहाँ पर एग्जाम में क्या किया गया है, एक से लेकर 20 तक जितने अलग वाले आते हैं, यानी कि खासकर एमसीक्यू वाले, सबको इकट्ठा कर दिया। इन्होंने कहा एक काम करो भैया, तुम लोग एमसीक्यू हो इकट्ठा रहो, है ना, तुम लोग ऑप्शनल वाले हो इकट्ठा रहो, और बाकी सबका जो लिखने वाला है सब एक किनारे रहे और टिक करने वाले एक किनारे रहे, ठीक है। अब यहाँ हु वाज मिस्टर हैरियट, बताओ मिस्टर हैरियट कौन था? डॉक्टर। एक कंपाउंडर था, डॉक्टर था, नेबर ऑफ मिसेज पैम्प्रे था, अ ट्रेनर ऑफ डॉग्स था, डॉक्टर था ना। अब कहानी आपने पढ़ा है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, मान लो कहानी नहीं पढ़े होते तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। सॉल्यूशन जब पता चला तो एग्जाम का टाइम अब है नहीं, है ना भाई, बाद में पता चलता है जब एग्जाम, जब तुम क्वेश्चन करके आते हो तब समझो यार उसमें तो वो वाला आंसर होना चाहिए था, तीन का बी होना चाहिए था, हम ए लगाए भाई यार गलत हो गया। आगे हु डज आई रिफर इन द स्टोरी द थीप्स स्टोरी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, थीप्स स्टोरी में आई का मतलब क्या है? हरी सिंह, अनिल, या राइटर ऑफ द स्टोरी, या जो है प्रीवियस एम्प्लॉयर ऑफ द थीप। अब बताओ आई आई संबोधित करके कौन कहता है? हरी सिंह ही, तो हरी सिंह ने ही पूरी कहानी बताई है। हाँ कथावाचक हरी सिंह ही है। अब ये, अब हरी सिंह जिसने नहीं पढ़ा है ये भी जाता है कहानी का राइटर, कहानी के राइटर खुद हरी सिंह है ना। तो यहाँ पर हरी सिंह, हरी सिंह वो कह रहे थे मैं सोचा फिर मैं गया, मैंने सोचा दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए, है ना, ये चीज़ होगा। हु केम टू मीट ऑसेबल इन द स्टोरी द मिड नाइट विजिटर। द मिड नाइट विजिटर में ऑसेबल से मिलने कौन आया? फॉलर, पुलिसमैन, ऑसेबल्स फादर, मैक्स। अब बताइए मिड नाइट विजिटर वाली कहानी सुने हो, उसमें बताओ कौन मिलने आया था? मैक्स आया था। अब ये बहुत कन्फ्यूजन है, इस कहानी को अभी अच्छे से पढ़ा है ना, ये कहानी कन्फ्यूजिंग है ना, ये कहानी ही कन्फ्यूजिंग है, इसलिए समरी के बेस पर अब तैयार करो। हाउ मेनी ब्रगलर्स आर देयर इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में कितने ब्रगलर्स हैं? अब ये वही बता पाएगा जिसने समरी पढ़ी होगी, समरी मैंने खुद नहीं पढ़ी तो मैं क्या बताऊँ बच्चा, सॉरी। आगे हु कम्फर्टेड बोली इन द क्लासरूम, है ना पता है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना। अब बताइए क्लासरूम में भोली को किसने कंफर्ट किया? उनके फ्रेंड ने, उनके टीचर ने, उनके प्रिंसिपल ने, मॉनिटर की क्लास ने, अब कर कोई भी हो सकता है, है ना। यानी कि आप समरी पढ़ोगे, समरी पढ़ना शुरू करो, नहीं तो ऐसे एग्जाम में आएगा भाई पढ़ना है ना। प्रिंसिपल सर हो सकते हैं, नहीं नहीं प्रिंसिपल खतरनाक होते, फ्रेंड नहीं नहीं फ्रेंड टीचर के चक्कर में बोलने को नहीं मिलेगा, टीचर या मॉनिटर में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि टीचर ना रहे हो तो मॉनिटर क्लास को देखेंगे, कौन सा होगा, फिर तुक्का लगाओगे, क्लियर है। हो सकता है तुम तुक्का लगाए, पता चला जिनमें से आपसे निकला सी वाला, तब भी समस्या, इसलिए पढ़ना है, क्लियर। अब यहाँ पर आप पूरा मॉडल पेपर देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर ये रोल नंबर है आपका, मेरा नहीं है, मतलब ये किसी लड़की रीमा का है, ठीक है। यहाँ 817 है, एच जे इसका वो है, इंग्लिश 2024 का है, 3 hours 15 minutes। यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है, फर्स्ट 15 minutes आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि शुरुआत के 15 minutes रीडर्स को, कैंडिडेट्स को, विद्यार्थियों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए अलॉट किया जाता है, किया गया है। सेकंड, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस करना अनिवार्य है, लेकिन देख लेना आर वाला, हाँ नहीं को अच्छा शुरुआत में बोल रखा है सारे आर वाला करना है, नहीं नहीं एक ही करना है, एनीवन बोल रखा है तो एक ही करना। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अच्छा ठीक है आगे देखेंगे। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन द ओएमआर आंसर शीट। यानी कि ये कह रहे हैं पार्ट वन के लिए आपको ओएमआर आंसर शीट मिलेगा, गोला करना रहेगा, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू वाला है ना, गोला करने वाला, और 20 आगे का जो है
क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर का क्वेश्चन आपको लिखने पढ़ने वाला है, वो है। नेक्स्ट फॉर पार्ट ए, और पार्ट ए के लिए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन। देखो पार्ट ए वाला यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन करने के लिए आपको क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद में अपने OMR सीट पर केवल वही क्वेश्चन करना है ना, जो कि MCQ वाला है। थोड़ा मतलब बहुत ध्यान से, डू नॉट इरेज, बहुत ज़्यादा इरेज नहीं करना, नहीं तो गोला हो जाए, पता चले तुम छेद करते करते गोला ही ख़त्म कर दिए, कट नहीं करना है, ठीक है। और यूज वाइटनर, वाइटनर का यूज नहीं करना है ऑन द OMR सीट आफ्टर आंसरिंग। मान लो तुमने किया 1/4, अब देखो इतना ये चालाक कर दे, पहले ये नहीं था, OMR सीट नहीं मिलता था, पहले 1/A वाले में आपने लिखा, बाद में आप करेक्शन भी कर सकते थे। अगर बाद में आपको लग रहा है एकदम कंफर्म डी है, अब तो 1 आपने ए कर दिया और तुम लालच आ रहा है, तुम खुर्च रहे हो, तुम्हारे एकदम कट गया नीचे, सफ़ेद हो गया, फिर डी कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं करना है, वो चेक नहीं होगा, ये OMR सीट ये मशीन से चेक होता है ना, स्कैन करके। हाँ नहीं, दो दो ऑप्शन कर दो वहाँ पर, भाई ये गलत ही वाला सही है, जैसे 4 इसे रहता है, तुम करो ई गोला गलत है, ई गलत है, ये सही है, क्लियर है। फिर बाद में पता चला ये ना सही, भाई एकदम खुरचा था, खुरच रहे हो, अरे मैंने भी किया है, तुम लोग भी एकदम खुरच दिए, तुम मारे एकदम उसको काली पोत दे उसके ऊपर, और करो ये वाला सही होगा, ऐसा कुछ नहीं करना, क्लियर है। इसलिए भले ही आप बाद में करो, और गोला भी सही से भरना, ऐसे गोला है तो पहले आप ऐसे किनारे से ऐसे भर दो, ऐसे, क्लियर है ना, इस तरह से। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे गोला बीच से ऐसे ऐसे भरते, पता चल बहरे निकल गया है ना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, समझे। कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ ऐसे खाली रह जाता है, ये ऐसा लग रहा है जैसे वो QR कोड हो स्कैन करने के लिए, क्लियर है ना, ऐसा कुछ नहीं करना, यानी कि आपको MCQ वाला बहुत संभल के करना है। MCQ वाला पहले आपको पेंसिल से हल्का हल्का टिक कर देना है, और फाइनल जब आप OMR सीट पर गोला भरना, तो एकदम फाइनल आंसर एकदम क्लियर करके, ये करके कि अगर हम 1/D भर दिए तो मैं क्या, मेरा बाप भी नहीं बदल सकता है किसी वाला ऑप्शन में, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर केवल मैं ही बैठा हूँ, समझे, इतना मान कर आपको बैठना है। तो ये है, फिर इसके बाद में ये पार्ट बी जो है, इसमें आपका चारों सेक्शन आएगा, रीडिंग, ये सब मैंने बताया ही, रीडिंग सेक्शन ये हो गया आपका, ये हो गया राइटिंग सेक्शन, फिर इसके बाद में ये ग्रामर, ये लिटरेचर, फिर आगे ये सब है, क्लियर है। ऐसे जो है पेपर रहेगा, बढ़िया कॉपी रहे, समझ में आया, और ये फ्री का मिलेगा, परेशान नहीं हो, बस आपको लिखना रहेगा, कॉपी भी फ्री का मिलेगा, कलम आपको अपने पैसे के लिए जानी होगी। अच्छा, समझ में आया, तो ये था आपका वीडियोज, थोड़ा सा लॉन्ग हो गई है ना, लगभग 1 से ज़्यादा वीडियोज हो गई, लेकिन हाँ अगर आप एक बार इसे फिर से 2-3 दिन के बाद देख लेते, 100 में से 100 नंबर कैसे लाएँ हम करें, इसी अनुसार आप अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, क्लियर है, क्योंकि आपके माइंड में फीड हो जाएगा, अच्छा मुझे इस तरीके से इंग्लिश पढ़नी, क्लियर है।